हम लोग पढ़ रहे थे मदाते चिकित्सा चरक से, ठीक है। तो हम लोग 54 श्लोक पे थे कल, और बताया था कि यहाँ पे महादोषम महागदम ऐसा आया हुआ है, और ऐसा ही कुछ रक्तपित्त में भी हम लोग पढ़ते हैं महागदम महाबेगम। तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, महागदम महाबेगम रक्तपित्त में है, और महादोषम महागदम यहाँ पे आया है मदाते के लिए। मद्यपान जन्य रोग, मद्यपान जो बहुत ज़्यादा करते हैं उनको क्या क्या हो सकता है? मोह, भय, शोक, क्रोध और मृत्यु आश्रित रहती। मद मूर्छा, अपस्मार और अपतानक रोग भी रहते हैं। 56 नंबर श्लोक बता रहा है, 56। मद्य स्मृति नाशक, स्मृति विभ्रंश, श्लोक नंबर 57 में स्मृति विभ्रंश को अंडरलाइन करिएगा। स्मृति विभ्रंश मिला? यस सर। इसके बाद हितकर मध्य स्वभाव से अतुल्य गुणकारी, उपर्युक्त महादोष होते हुए भी स्वभाव से जिस प्रकार अन्न लाभकर होता है, उसी प्रकार मध्य भी स्वभाव से हितकर होता है। यदि अन्न या मध्य का सेवन अयुक्ति युक्त मतलब विधि विपरीत किया जाए तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, चाहे वो अन्न हो। तमाम तरीके के नियम बताए गए हैं, चाहे वो अष्टाहार विधि विशेषाधन बताया गया हो, चाहे द्वादश अशन विचार हो सुश्रुत का, चाहे वैरोधिक आहार के 18 घटक हों। अगर विधि पूर्वक नियम पूर्वक नहीं किया जाएगा, 5वें चैप्टर में मात्रा सिद्धि में कई बातें बताई गई हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। उसी प्रकार से मध्य के जो नियम बार बार चरकने, विधि पूर्वक, मात्रा पूर्वक, काल पूर्वक, बल पूर्वक, ये शब्द उन्होंने कई बार प्रयोग किया। तो मतलब अगर इस तरीके से अगर मध्य का सेवन नहीं किया जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग को उत्पन्न कर सकता है, और अगर विधि पूर्वक सेवन किया जाए तो अमृत के समान है। अयुक्ति युक्तम रोगाय मतलब बिना युक्ति पूर्वक नियम के विपरीत अगर सेवन किया जाए तो रोगाय बहुत से रोग उत्पन्न करेगा, और युक्ति युक्तम यथा अमृतम और युक्ति पूर्वक अगर सेवन किया जाए, यहाँ पे युक्ति में बल काल सब आ जाएगा जो अभी हम लोगों ने दो दो पेज पीछे पढ़ा था। कौन सा बता दे रहे हैं? श्लोक नंबर 27, विधिना मात्रया काले मिला, कल बताया थे ना ये, यस सर। यहाँ भी वही बात बता रहे हैं, स्याद अमृतम तथा, मतलब बिल्कुल वही श्लोक वहां पे तरीके से जैसे रिपीट कर रहे हैं कि अगर युक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो मध्य कैसा है? अमृत के समान। तो हम देख सकते हैं कि चरक ने इस चैप्टर में कई बार अमृत के लिए बताया है। तो पहले जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है आप देखेंगे वहां पे अमृत बोला है, याद आ रहा है? देवानाम अमृतम, यस। 7 नंबर श्लोक में, फिर उसके बाद आपका 27 नंबर श्लोक पे, फिर लास्ट में आपका यहाँ पे 59 श्लोक में, 3 जगह पे मद्य को अमृत के समान बताया है। फिर इसके बाद देखिएगा, प्राणः प्राणावृताम अन्नम यद उक्ताय निहंत सूना विषम प्राणहरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम। यहाँ भी कह रहे हैं युक्ति युक्त जो है, विष तो वैसे प्राणहर होता है लेकिन अगर युक्ति पूर्वक सेवन किया जाए तो वह रसायन का कार्य करता है। प्राणियों का प्राण अन्न ही होता है, ये लाइन याद रखिए, प्राणाह प्राणावृताम अन्नम, प्राणियों का जो प्राण होता है क्या होता है? अन्न होता है। ये भी लाइन सिर्फ इतना भी याद रखेंगे तो बहुत आपका काम करेगा। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, एक अमृतम वाला और एक रसायन वाला, ठीक है। फिर इसके बाद याद रखिएगा मध्य के गुण 62, 63, 64, 65। इसके पहले देखिएगा 61 में आया हुआ है, युक्ति पूर्वक मद्यपान के गुण, हर्ष, ऊर्जा, पुष्टि, आरोग्य और उत्तम पुरुषार्थ देता है। युक्त्या पीतम करोति आशु मध्यम सुखप्रदम, और पुष्टिम आरोग्यम पौरुषम परम, हर्षम ऊर्जम मुदम पुष्टिम आरोग्यम पौरुषम परम। मिला 61 का फर्स्ट हाफ? यस सर। ये भी एग्जाम में रख के पूछ सकता है कि किसके लिए है ये। फिर इसके बाद 63 में देखिएगा, नष्ट निद्राणाम
नष्ट निद्राणाम और च अति निद्राणाम, दोनों को अंडरलाइन करिएगा, नष्ट निद्राणाम और च अति निद्राणाम। और फर्स्ट लाइन देखिएगा, हृदय है, मध्य जो है हृदय है, दीपन प्रेरण ब्रिंघण बल ये सब तो है, भय शोक श्रम आपहम, ठीक है, श्रम आपहम यहाँ आया है। विबंध वगैरह को भी दूर करता है ऐसा आया है, और साथ ही साथ अविधि पूर्वक मद्य का सेवन जो होता है वह हानिकारक होता है, ये भी आया होगा कहीं। मतलब जिनको निद्रा नहीं आती है उनके लिए भी लाभकारी है, और जिनको बहुत निद्रा आती है उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। और फिर देखिएगा नीचे आया है, षट त्रिक का वर्णन मिला, श्लोक नंबर 67, 68, षट त्रिक नहीं मिला तो यस सर मिला। याद रखिएगा, कृष्ण आत्रेय ने चरक सूत्र 11 में अष्ट त्रिक बताए हैं, जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो अष्ट त्रिक है। अरे जो नहीं पढ़े थे क्या क्या, त्री 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 करके जो यस वो सर, अष्ट, उसको अष्टत्रिक पढ़ते हैं कृष्ण आत्रेय द्वारा, और यहाँ पे मदात्य में जो है षट त्रिक का वर्णन है, क्या क्या है वो देखिए, अन्न पान वय रोग बल काल मिला, अन्न पान वय यस रोग बल काल, ये जो है षट त्रिक है। अब लिखिए फटाफट वही किताब पे ऊपर लिखिए बुक में ही, स्थूल पुरुष के लिए तीक्ष्ण मध्य, स्थूल पुरुष के लिए तीक्ष्ण मध्य, कृष पुरुष के लिए नूतन मध्य, कृष पुरुष के लिए नूतन मध्य, वारुणी मध्य राजक्षमा में, वारुणी मध्य राजक्षमा में, स्तन्य क्षय में सुरा, स्तन्य क्षय में सुरा, लिखिएगा सभी मध्य स्तन्य वर्धक, स्तन्य है क्षीर के लिए बात कर रहे हैं, सभी मध्य स्तन्य वर्धक एक्सेप्ट सीधु, सीधु ध में छोटा होगी मात्रा, सीधु मध्य, तो सभी मध्य स्तन, ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा मध्य जो होता है स्तन्य वर्धक नहीं होता है, तो सीधु मध्य है, हो गया। उदास होने पे लोग क्यों जाते हैं मधुशाला, इसके बारे में चर्चा करते हुए आचार्य चरक कहते हैं श्लोक नंबर 67 में मिला, 67 नंबर, यस सर। हाँ तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मद का सत्व पर प्रभाव, उसके पहले देखिएगा कि हालांकि वहां पे षटत्रिक की बात करें हैं, लेकिन उसके बाद देखिएगा विमर्श में आठ त्रिक कह दिया है मिला, और फिर लिखा भी है अगले श्लोक में कि त्रिकाणम स्टॉक में अष्ट, लिखा सर। श्लोक में भी अष्टत्रिक ही आया होगा, नहीं, त्रिकाण षट आया हुआ है देखिए श्लोक में, नहीं सर, तेषां त्रिकाण अष्टानाम योजना युक्ते बेटा उच्यते। 68 श्लोक देखो पहले, हाँ सर वो देखें। सर त्रिकाणी से त्रिकाण षट आया हुआ है ना, तो वहां पे यस सर। षट त्रिक पढ़िए पहले उसको,
तीन 203 प्रकार ऐड किया है सत्य को लेकर। शारीरिक दोष और मानसिक दोष। इस श्लोक में कहीं सत्व आया है? हाँ सत्व आया हुआ है, यानी हम इसको त्रिदोष और त्रिगुण कह सकते हैं। अगर अष्ट त्रिक की बात करेंगे तो छह तो वही हो गए प्लस त्रिदोष, और ध्यान दीजिएगा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर षट त्रिक की बात करेंगे तो वही छह रहेगा जो पहले हैं। सेकंड हाफ में अलग से इन्होंने त्रिदोष और त्रिगुण के बारे में चर्चा किया है, फिर आगे इन्होंने अगले श्लोक में उन दोनों को भी ऐड करके अष्ट त्रिक बोल दिया है। समझे कि नहीं समझे? षट त्रिक की बात करेंगे तो वो आंसर लगेगा आपका, यस सर। अष्ट त्रिक के बारे में पूछते हैं तो देख लीजिएगा, 11वें चैप्टर से पूछ रहे हैं कि मदात्य से पूछ रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है? तो ज्यादा उसको दिमाग मत लगाइए। फिर आता है मद का सत्व पर प्रभाव। क्योंकि अब बता दिया इन्होंने कि 8 त्रिक की बात कर दिए, तो उन 8 त्रिक में इन्होंने सत्व की भी बात की, तो सत्व पर मद का क्या प्रभाव पड़ता है? हम जानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीन त्रिगुण में आते हैं। सत्व के अतिरिक्त अगर हम रज और तम की बात करें तो ये दोनों दोष में है। सत्व क्या है? सात्विक है ना। आप देखते हैं छोटा बच्चा होता है तो वो बिल्कुल सत्व गुण संपन्न होता है, उसके अंदर जरा सा भी रज और तम नहीं होता है, बिल्कुल हंसता खेलता प्रसन्न रहता है, कोई क्रोध द्वेष राग है ना छल प्रपंच ये सब नहीं रहता है। खिलौना नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे तो क्षण में गुस्सा करेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है रज और तम ग्रोथ करता है, फिर उसके बाद अगर एक बार नाराज हो गया तो शायद 2 दिन खाना ना खाए, है ना। क्रोध लोभ मोह हिंसा छल प्रपंच ये सब बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सत्व को मन का पर्याय भी कहा गया है, सत्व को मन का पर्याय कहा गया है। क्लियर है? तो उस सत्व पर इस मद का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रथम मद में सत्व प्रायः प्रबुद्ध हो जाते हैं, उसको हिंदी में सही लिखिए प्रबुद्ध करिएगा, हिंदी में प्रबुद्ध लिखा हुआ है, प्रबुद्ध करिए उसको। ठीक है, नहीं समझे? हेलो हेलो हेलो, समझे? तो प्रबुद्ध पे नंबर 1 लिखिएगा और अव्यक्त पे नंबर 2 और 3 लिखिएगा। मतलब प्रथम मद में सत्व प्रबुद्ध हो जाता है और दूसरे और तीसरे में अव्यक्त हो जाता है। अगला देखिएगा 72 नंबर श्लोक में, हिंदी में देखिए उसकी हेडिंग, मध्य जो है प्रबोधक और प्रकाशक है। तो पूछ सकता है कि प्रबोधक एवं प्रकाशक कौन है? तो मध्य है, मिला 72। यस सर। 73 में लास्ट में देखिए प्रकृति दर्शनम शब्द आया होगा, प्रकृति दर्शनम, तो मध्य जो है प्रकृति दर्शनम भी है। अब ऐसा नहीं है कि जो सात्विक प्रकृति वाला है वो मध्य का सेवन करेगा तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सात्विक पुरुष सहसा मध्य के दोषों से विकृत नहीं होते हैं, श्लोक नंबर 76 में आया होगा। तमाम चीजें यहाँ लिखी, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, आगे बढ़िएगा 87 श्लोक पे आ जाइए डायरेक्ट। मद्यपान करने के अयोग्य किनको किनको नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति भूख से प्यास से पीड़ित हो, बल रहित हो, वात पित्त प्रकृति यानी VIP लोगों को मद्यपान नहीं लेना चाहिए। यहाँ VIP क्या हुआ? मतलब हाँ, तो VIP लोगों को मद्यपान नहीं करना चाहिए। रुक्ष अल्प और प्रमित आहार करने वाले को, रुक्ष आहार वात बढ़ाएगा,
प्रमित मतलब नपातुला भोजन करने वालों को, ऐसा नहीं कि शाम को भोजन का टाइम हो रहा है और बोतल खोल के बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वहां लिखा हुआ चरक ने मना किया है, शुद्ध पिपासा जब भूख लगी रहे तो भोजन ही करिए। मिलक ने फर्स्ट लाइन में लिखा होगा, यस सर मेरा, याद रखिएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिएगा श्लोक नंबर 88, मदात्य रोग प्रकरण विषय प्रवेश। अब इसके बाद मदात्य रोग, अभी तक तो मध्य की बात हो रही थी, अब क्या बात करेंगे, ये मदात्य की बात करेंगे। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, मदात्य, तो लिख लीजिएगा सभी मदात्य, अभी नहीं अभी आगे लिखेंगे इसको, तो वातज पित्तज कफज और इन सभी मदात्य में देखिएगा लक्षण दे रखे होंगे। तो वातज मदात्य में देखेंगे आप ट्रिमर कंप होगा, पार्श्व स्थूल होगा और हिक्का श्वास, हिक्का श्वास, शिरह कंप। मिला कुछ ऐसा नंबर 91? यस सर मिला। लिख लीजिएगा सभी मदात्य त्रिदोषज होते हैं, सभी मदात्य त्रिदोषज होते हैं, सभी मदात्य त्रिदोषज होते हैं। ये तो हुआ वातज मदात्य की बात। फिर इसके बाद देखिएगा पित्तज में वही पित्त वाले सारे के सारे लक्षण होंगे, श्लोक नंबर 93 में देखिएगा पित्तज मदात्य अगर वात प्रधान व्यक्ति को हो जाए तो वो शीघ्र ही मार डालता है। मिला, मदात्य पित्तज हो और रोगी की प्रकृति वातज हो तो वीआईपी बन जाएगा वो, और जब वीआईपी बन जाएगा तो निकल लेगा। 97 देखिएगा कफज मदात्य, मिला तो सारे के सारे कफ वाले लक्षण होंगे वहां पे, छर्दी अरोजक हल्लास तंद्रा स्थैमित्य गौरव। मिला, यस सर मिला, ये सभी कफज मदात्य के लक्षण हो गए। फिर इसके बाद विष और मध्य में समानता, वो तो हमको पता ही है क्या बता रहे हैं। देखिए सन्निपात को कुपित करने वाले जो गुण विष में देखे जाते हैं वही गुण मध्य में भी देखे जाते हैं, किंतु विष में वे गुण तीव्र होते हैं अर्थात मध्य में मृदु रहते हैं और विष में तीव्र हो जाते हैं, है ना। तो विष में जो होता है तीव्र होते हैं और मध्य में जो होते हैं गुण मृदु रहते हैं। आपको ये मृदु और तीक्ष्ण ये शब्द याद रखना होगा, और ये सन्निपात प्रकोपणा को अंडरलाइन करिएगा, सन्निपात प्रकोपणा श्लोक में आया है ना, नहीं मिला 98 में सन्निपात प्रकोपणा? मिला सर, मिल गया। श्लोक नंबर 100 देखिए, मिला मदात्य सभी त्रिदोषज, हंड्रेड नंबर श्लोक, यस सर मिला। यही हमने आपको लिखा है कि सभी मदात्य कैसे होते हैं, तीनों दोषों के लक्षणों वाले होते हैं। अब यहाँ पे मदात्य रोग के सामान्य लक्षण 101 से लेके 105 106 तक चल रहा है। तो तीसरे अंदर से काश हिक्का श्वास प्रजागर ऐसा कुछ लिखा होगा, कर्ण अक्षिमुख रोग, तो ध्यान रखिएगा वहां पे नासा नहीं आया है, कान आया है, आंख आया है, मुख आया हुआ है, लेकिन नासा नहीं आया, तो नासा लिख के काट दीजिए। मिला 103? यस सर। लिख लीजिए सभी मदात्य त्रिदोषज होते हैं, आपने लिखा परंतु चिकित्सा में जिस दोष की अधिकता होती है उसकी चिकित्सा पहले करते हैं, चिकित्सा में जिस दोष की अधिकता होती है उसकी चिकित्सा पहले करते हैं।
107 में वही लिखा है तो सर जी काहे लिखाते हैं जब लिखा है तो 107 की हिंदी पढ़िए मिला वन जीरो सेवन श्लोक की हिंदी यस सर। इसके बाद देखिए मदात्य रोग में कफ स्थान की अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि प्रायः मदात्य रोग में पित्त और वायु का कोप अंत में होता है तो पित्त मारुत पर्यंत प्रायण ही मदात्य ये पूछा गया था पित्त मारुत पर्यंत प्रायण ही मदात्य है तो पित्त मारुत पर्यंत क्या है मदात्य है कि मदात्य के अंत में प्रायः पित्त और वायु का प्रकोप होता है और पहला शब्द क्या है कफ स्थान अनुपूरी सबसे पहले सन्निपात से है तो किसकी चिकित्सा करेंगे कफ की चिकित्सा करेंगे कफ स्थान की अनुपूर्वी चिकित्सा याद रखिए कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा है मदात्य सन्निपात मदात्य की बात कर रहे हैं लिख लीजिएगा CJM CJM डैश करके लिखिएगा K CJM डैश K कोई बताएगा इस कोड को डिकोड कौन करेगा है कोई जो जैसे ज्वर हो गया एम से मदात्य हो गया और सी से पता नहीं इसमें पहले हम कफ की चिकित्सा करते हैं सी से चरक सर ये तो बता ही चुके हैं कि मध्य हरित की और आमलक की कौन सा रस नहीं होता है मध्य हरित की आमलकी में कौन लवड़ लवड़ सर लवड़ सर लवड़ नहीं पंचरस का लवड़ अब देखिएगा श्लोक नंबर नीचे 114 से 116 आम्ल रस से युक्त हो और क्षार शीघ्र ही मधुर बन जाता है जिन गुणों के कारण अम्ल द्रव्यों में मध्य श्रेष्ठ माना गया है श्रेष्ठ आम्लेश मध्य मतलब अम्ल द्रव्यों में मध्य को श्रेष्ठ माना है चरक ने मिला श्रेष्ठ आम्लेश मध्यम श्रेष्ठ आम्लेश मध्यम करिएगा और चार अनुरस होते हैं चतवारो अनुरसाह स्मृताह नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट हाफ मध्य अम्ल स्वभाव से चतवारो अनुरसा कौन कौन से होते हैं मधुर कषाय तिक्त और कटु भाई छह रस होते हैं एक आपने प्रधान बोल दिया बचे सॉरी पांच रस होते हैं एक आपने प्रधान बोल दिया लवण होता नहीं तो बाकी की जो चार बचे वो कैसे हो गए आपके अनुरस हो गए एक सौ अठारह नंबर श्लोक देखिएगा 118 मदात्य में मध्य का प्रयोग कर रहे हैं मिला कुछ ऐसा yes, sir. एक तरीके से विपरीत अर्थकारी चिकित्सा लगती है और लिखा होगा श्लोक नंबर 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 नहीं पढ़ा 119 के नीचे देखिएगा 119 के नीचे वाला जो श्लोक है रुजा सोता स्व रुद्धेशु मारुते च अनुलोमिते ऐसा कुछ लिखा हुआ है Yes, sir. उसके विमर्श में देखिए मदात्य में मध्य का ही प्रयोग विपरीत अर्थकारी चिकित्सा सिद्धांत पर किया जाता है मिला इसको अंडरलाइन करिए बताए थे आपको जब हम निदान स्थान पढ़ा रहे थे विपरीत अर्थकारी मतलब जो सुनने में बड़ा अटपटा सा लगे आपको लगे हम चिकित्सा कर रहे हैं और बिगाड़ने जा रहे हैं है ना जैसे हमने वहां पे आपको बताया था वाति को उन्माद में भय दर्शन कराना एक तो भय से वैसे ही बात बढ़ जाएगा इस तरीके से हम लोगों ने वहां पे चर्चा किया था और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वही लिखाएंगे एक सेकंड
श्लोक नंबर 125 देखिएगा, हिंदी पढ़िएगा, वादिक मदाते में पथ्य में वारुणी मंड आया होगा, वारुणी मध्य वारुणी मंड मिला 125 के हिंदी में देखिएगा वारुणी मंड। यस सर। उसी के विमर्श की तीसरी लाइन में देखिएगा वेश्वार की परिभाषा लिखी होगी, निरास्ति पिछितम पिष्टम सिद्धम गुड़क घृतान्वितम। मिला विमर्श में तीसरी लाइन वेश्वार के बारे में लिया हुआ। यस सर मिल गया। यस सर। हाँ आशीष भाई क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। तो ये वेश्वार की परिभाषा हो गई भाई। श्लोक नंबर 151 पांच अम्ल द्रव्य के बारे में लिखा होगा 151 मिला, फूल दाढ़ी वृक्षाम्ल चुक्रिका चुक्रिका रस, अंडरलाइन करिएगा उसको। जग रहे हो सो रहे हो? मिल गया। 164 नंबर श्लोक कफज मदाते रोग की चिकित्सा, ऐसा कुछ हेडिंग पड़ा है 164? यस सर। उल्लेखन जो होता है वो वमन का पर्याय होता है, उल्लेखन छर्दी वमन ये सब पर्याय हैं। तो इसमें दिया हुआ है उल्लेखन एवं उपवास यानी लंघन भी कराएंगे, ठीक है। तो कफज मदाते में उल्लेखन यानी वमन और उपवास। 169 चारकरम मधुवा जीर्णम अरिष्टम सीधुमेव वा। और अभी हमने आपको लिखा है कि सभी मध्य स्तन्य वर्धक हैं एक्सेप्ट कौन सा? सीधु मध्य। आगे बढ़िए अष्टांग लवण 178 तो इसमें देखिए कंटेंट अजाजी है, वृक्षाम्ल है, अम्लवेदस है और त्वक एला और मरीच। तो त्वक एला मरीच, त्वक एला मरीच, अजाजी सवर्चल, अजाजी सवर्चल, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस। तो आप देख रहे हैं इसमें लवण कौन सा है? केवल सवर्चल लवण है और श्लोक स्टार्ट भी सवर्चल से ही हो रहा है। तो याद, अगर मान लीजिए बाय चांस कभी सवर्चल लवण पूछ ले तो परेशान मत होना। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ तो पहले कंटेंट के आधार पे सवर्चल लवण भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इस चीज को। जठराग्नि प्रदीपक सेकंड लाइन में देखिएगा दीपनम परम, अग्नि संदीपनम परम मिला, अग्नि संदीपनम। yes, और स्रोतो विशोधनम, स्रोतस को शुद्ध करेगा। और किस वाले में आया हुआ है? जब देखेंगे तो कफज मदाते, तो लिख लीजिएगा कफज मदाते लिखा हुआ है लास्ट में, कफ प्राय दद्यात स्रोतो विशोधनम मिला। तो ये कफज मदाते yes. कंटेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा 189 दस प्रकार के सन्निपात मदाते चरक ने बताए हैं। 189 सन्निपाते दश विधे मिला। यस सर। 195 देखिएगा लिखा होगा मदाते में क्षीर का प्रयोग, क्षीरम अस्य प्रयोजयेत मिला। yes. अभी तो पीछे कह रहे थे कि मदाते की चिकित्सा में मद्यपान कराना चाहिए,
मदाते रोग शांत ना हुआ तो मध्य सेवन विधि को छोड़कर तब दूध पे आ जाना चाहिए, है ना। तब वो वाली बोतल छोड़ के बच्चों वाली बोतल पकड़ा दो, याद रखना। वैसे भी जो क्षीर होता है वो एंटासिड का कार्य करता है। और हर्षण क्रिया भी है 191 के बाद। एक आया है हेडिंग मदात में हर्षणी क्रिया, में तो जैसे तैसे उसको जो है सही किए, फिर कह रहे हैं जब उसको आराम मिल जाए तो फिर मध्य का प्रयोग धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा कुछ मिला 198 में? नहीं मिला 198? मिला सर। और यूजी के लिए इम्पोर्टेंट है 197 का सेकंड हाफ, ग्रीष्मोपतप्तस्य तरोयर्था वर्ष तथा पय। अब ये श्लोक रख के पूछ सकता है किसके लिए है, याद रखिएगा, है ना। दुग्ध की उपमा दी है, दुग्ध क्यों प्रयोग करते हैं तो वहां पढ़ लीजिएगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से संतप्त वृक्ष के लिए वर्षा लाभकर होता है, वैसे ही दुग्ध के लिए यहाँ पे उपमा दी गई है। कभी भी कोई मध्य ले रहा है, बहुत टाइम से ले रहा है, तो अचानक से उसको विड्रॉल नहीं कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे किसी चीज को विड्रॉल करने के लिए बताया गया है, है ना। पादांशिक क्रम याद आ रहा है कुछ ऐसा? हम लोग सूत्र स्थान पर अगर सडनली कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, अगर आप उसको अचानक से विड्रॉल कर लेते हैं तो तमाम तरीके की उसको समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हीं समस्याओं में कुछ है ध्वंसक और विक्षय। फिलहाल ऊपर एक पॉइंट लिख लीजिए, छूट गया। मदात्य रोग के अंत में VIP का प्रकोप हो जाता है, मदात्य के अंत में VIP का प्रकोप हो जाता है, वात पित्त का प्रकोप। तो ध्वंसक और विक्षय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल तो देखिएगा 199 के बाद देखिए उसी श्लोक में लिखा है दुष्चिकित्समो ही। तो दुष्चिकित्स है ये ध्वंसक और विक्षय नामक जो रोग हो जाता है अचानक मद्यपान का त्याग करने पे, वह दुष्चिकित्स होता है। मिला? यस सर। अब ध्वंसक में देखिएगा श्लोक नंबर नहीं लिखा हुआ है 201। श्लेष्म प्रसेक कंठास्य शोषा शब्द असहिष्णुता। तो आपको याद होगा, अभी नहीं पढ़ा है आपने, शब्द असहिष्णुता जो है रस क्षय का भी लक्षण है। शब्द असहिष्णुता रस क्षय का भी, रस धातु के क्षय का भी लक्षण है, और शब्द असहिष्णुता ध्वंसक का भी लक्षण है। तो श्लेष्म प्रसेक कंठस्य शोष शब्द असहिष्णुता तंद्रा निद्रा अतियोग, थकान बहुत लगेगा, नींद बहुत आएगी, ये सभी किसके लक्षण हो गए? ध्वंसक के। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। तो चार लक्षण है, श्लेष्म प्रसेक कंठस्य शोष शब्द असहिष्णुता और तंद्रा निद्रा अतियोग, ये चारों याद रखिएगा। फिर इसके बाद विक्षय की बात करते हैं। ये पूछा गया है हृदय कंठ रोग, हृदय और कंठ रोग हो जाएंगे विक्षय में, सम्मोह, छर्दी, अंग रुजा मतलब शरीर में पीड़ा, ज्वर, ज्वर को सर्कल बनाइए, तो कार्डियक डिजीज, गले में रोग, ज्वर, तृष्णा का शिर शूल को अंडरलाइन करिएगा। तो चरक ने मदात्य रोग में ध्वंसक और विक्षय ये दो रोग बताए हैं, और सुश्रुत विमर्श की बात कर रहे हैं, पानात्य, परमद, पानाजीर्ण और पान विभ्रम, ये चार रोग बताए हैं। तो ये चारों रोग को अंडरलाइन करिएगा। मिला? यस सर। तो 203 में देखिएगा, वातज मदात्य रोग में जो चिकित्सा कर्म बताया गया है वही ध्वंसक और विक्षय में भी करना चाहिए, मतलब जो वातज मदात्य की चिकित्सा चरक ने बताई है वही ध्वंसक और विक्षय में करेंगे। और किसको होता है ध्वंसक और विक्षय? जो कैचेक्सिक टाइप के, जो दुबले पतले होते हैं, क्षीण देह दुर्बल पुरुष वालों को ही होता है। ठीक है, तो वातनाशक घृत का प्रयोग, बस्ती दुग्ध, वातनाशक बस्ती घृत, इन सभी का प्रयोग करेंगे।
तत्र श्लोक की बात करेंगे, सेकंड लाइन में महागुणाह शब्द आया होगा, महागुणाह मिला 208 नंबर में महागुणा। यस सर। और थर्ड लाइन में यं यच्च त्रिविधम अपानम, जो मद्यपान के जो तीन वातावरण होते हैं सात्विक राजस और तामस, वही है सात्विक राजस और तामस वातावरण, लिख लीजिए उसको सात्विक राजस और तामस, चलते चलते लास्ट लिख लीजिएगा। सुश्रुत ने पानात्य चार बताया है, वीपी के एस जो अभी लिखा ना पानात्य परमद पानाजीर्ण और पान विभ्रम, जब सुश्रुत पढ़ेंगे तो बताएंगे पानात्य चार हैं, वीपी के एस। और एक योग लिख लीजिएगा श्रीखंडासो, श्रीखंडासो मदात्य में प्रयोग करते हैं। इस तरीके से चैप्टर समाप्त होता है।